अमेज़न के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी डेली लाइफ को थोड़ा सा सरल बना देते हैं। ऐसे ही 15+ प्रोडक्ट आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑनेस्ट रिव्यू आज के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको अभी मैंने रिसेंटली परचेस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से वीडियो को। सबसे पहला प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप भी फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं फ्लाइट से तो ये प्रोडक्ट आपके पास होना ही चाहिए। जी हाँ, ये है लगेज वेगिंग स्केल जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं। तो बैटरी इसमें लगता है और उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी कभी आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितना लगेज लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए परफेक्ट है। जब भी आप अपने लगेज को पैक करते हैं उसके बाद इसे आप उसका वेट अच्छे से मेजर कर सकते हैं और कम ज़्यादा करना है वो आपको घर पे ही पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो ये आपके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम बात करने वाले हैं गोदरेज ब्रांड का ये एयर कूलमेटिक जो कि ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ये लग रहा है, पहले भी मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ लेकिन वो किसी और ब्रांड का था तो मैंने एक और इसे मंगवाया है और आज ही ये डिलीवर हुआ है, तो इसका अनबॉक्सिंग भी मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। इसमें आपको मिल जाता है एक स्प्रे बॉटल और दो बैटरी इसमें ऑलरेडी आते हैं। जब ये बैटरी ख़त्म हो जाता है तो आप दूसरा बैटरी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसका जो बॉटल है स्प्रे बॉटल उसका भी रिफ़िल पैक आपको मिल जाएगा। बस इसमें आपको टाइमर सेट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये आपके घर को बढ़िया सी खुशबू से महका देगा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट में मैं बात करने वाली हूँ इस स्टीमर की जिसको मैं बहुत टाइम पहले से यूज़ कर रही हूँ। ठंड के दिनों में तो ये बिल्कुल रामबाण का काम करता है। जब आपको कफ एंड कोल्ड हो जाते हैं तब आपको स्टीम लेना पड़ता है और ये परफेक्ट स्टीमर है। अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो बच्चे भी इसमें बहुत ही आसान तरीके से स्टीम ले सकते हैं। इसमें बैक साइड में एक छोटा सा टैंक आता है, उसको आपको वाटर से फिल करना होता है दोस्तों, और बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वाटर इसमें आप यूज़ कर रहे हैं वो फिल्टर वाटर होना चाहिए। नॉर्मल वाटर आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा आपको इसमें फ़िल्टर वाटर यूज़ करना है और इस टैंक को आपको फिल कर देना है और बहुत ही आसान तरीके से ये बैक साइड में फिट हो जाता है। उसके बाद ये विद इन अ सेकेंड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टीम प्रोवाइड करवाता है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में ना दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ ये स्क्रू ड्राइवर शेयर किया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है लेकिन उसमें आपको बहुत ही लिमिटेड से पिन मिलते हैं, इसलिए मैंने मंगवाया है ये दूसरा स्क्रू ड्राइवर जिसमें आपको मिल जाते हैं 50 to 60 पिन। जी हाँ दोस्तों, छोटे से छोटा पिन और बड़े से बड़ा पिन आपको इसमें मिल जाएगा। बस आप एक किट ये परचेस कर लीजिए, उसके बाद आपके घर की जो परेशानियां हैं, जो छोटी मोटी परेशानियां हैं जो कभी भी आ जाती है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। इसमें बहुत ही मल्टीपल चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये कार्डबोर्ड कटर। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको भी मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। कितना भी मोटा कार्डबोर्ड हो ये बहुत आसान तरीके से उसे कट कर देता है और इसमें एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है जिसको आप अगर रोल करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और उसे क्लोज कर देंगे तो ये कटर बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट भी है, मतलब एक बार आपने इसे लॉक कर दिया उसके बाद इसका कटर बाहर नहीं निकलता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आप ही के सामने। जी हाँ दोस्तों, आज ही मुझे ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहले भी मेरे पास था लेकिन कुछ
प्रॉब्लम की वजह से वो ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने इसे दोबारा मंगवाया है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ, ये है मिक्सर ग्राइंडर जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। पिछले 6 या 7 सालों से मैं इसे यूज़ कर रही थी, लेकिन रिसेंटली ये कुछ इशू की वजह से ख़राब हो गया, इसलिए मैंने इसे दोबारा ऑर्डर किया है क्योंकि इसका काम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और 1 ईयर की वारंटी के साथ आपको ये मिल जाएगा। ये मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इस मिक्सर ग्राइंडर में आपको मिल जाते हैं 3 जार और 2 कटर। बहुत सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पर रेड कलर मंगवाया है। वैसे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। कोई भी जूसेस वगैरह बनाने हो तो विद इन अ सेकेंड सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। बस इसका एक ही प्रॉब्लम होता है, अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन का इशू है तो ये प्रोडक्ट ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपके यहाँ पावर स्टेबल होते हैं तो फिर यहाँ कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलता है और काम इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने इसे दोबारा ऑर्डर किया है। इसमें जार के कटर के साथ आपको लिड भी मिल जाता है, मतलब अगर आप कोई चीज़ इसमें रेडी कर रहे हैं तो कटर हटा के आप इसके लिड से उसे ढक करके रख सकते हैं, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ इसके साथ आती है। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ इस ग्लास जग की दोस्तों। इसको मैं पिछले 7 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और इसका क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा है। इसका हैंडल क्वालिटी, जो भी थोड़ा बहुत प्लास्टिक इसमें यूज़ हुआ है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और डाइनिंग टेबल पे ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप कोई ग्लास जार सर्च करते हैं तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मेजरिंग टेप जो कि 2 के सेट में आती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी मैंने अमेज़ोन से ही बाय किया था। जब आप इसे बाय करेंगे तो बहुत ही कम प्राइस में आपको 2 मेजरिंग टेप मिल जाएंगे। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, लेकिन घर में ये सारी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। कब कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता है। तो इसका भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप ईजिली इसे अमेज़ोन से फाइंड कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। नेक्स्ट है ये एक्सटेंशन बोर्ड जो कि बहुत ही मल्टीपर्पज़ तरीके से आपके काम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों के दिनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें चाहिए होती है, जैसे कूलर हो गया या फिर मिक्सर हो गया, अगर स्विच बोर्ड की कमी है तो ये एक्सटेंशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और अमेज़ोन पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं ट्राई करूँगी, आपको प्रोवाइड करवा दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेडरूम में अगर डिम लाइट चाहिए ना दोस्तों और बल्ब नहीं चाहिए तो आप इस लाइट के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। ये है प्लग लाइट। जी हाँ, आप डायरेक्ट इसे स्विच बोर्ड में लगाइए और एक बहुत ही अच्छी सी वार्म लाइट आपको मिल जाएगी रात के टाइम पे। अगर आपको बेडरूम में ये वाली लाइट चाहिए तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। मैं अभी इसे दिन में दिखा रही हूँ, रात में इसका लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाला प्रोडक्ट आपके किचन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये है डिश वॉश डिस्पेंसर जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आता है और बहुत ही कम प्राइस में आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, जो भी लिक्विड डिश वॉश होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है, उसके बाद आप इसमें वाटर ऐड कर दीजिए और उसके बाद थोड़े से ही लिक्विड में आप बहुत सारे बर्तनों को वॉश कर सकते हैं, इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बस आप
ऊपर से इसे प्रेस करेंगे तो जो स्पॉन्ज है उसमें आपका ये लिक्विड आ जाता है और थोड़े से ही लिक्विड से आप बहुत सारे बर्तनों को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसको तो मैं बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो आप इससे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ये हैंगिंग प्लांट स्ट्रिंग आपके घर के किसी भी कॉर्नर को ब्यूटीफुल बना देगा। ये प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको भी लंबे टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और आप इसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो गाइज, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया था तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहते हैं और बहुत सारे ऑलरेडी अमेजोन रिलेटेड प्रोडक्ट के वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है, तो उनको भी जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।